हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग के 32वें नेशनल रोड सेफ्टी माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के चलते परिवहन विभाग के अधिकारियों एमबीआई जसबीर सिंह, आरटीओ ऑफिस धर्मशाला में अश्विनी कुमार, आरएम ऑफिस देहरा से गणेश शर्मा, ज्वालामुखी के एमडी उमेश शर्मा आदि ने ज्वालामुखी में एक जागरूकता शिविर लगाकर युवाओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा को अपनी आदत बनाने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर क्षेत्र के विभिन्न टू व्हीलर वाहन विक्रेताओं को एकत्रित किया गया तथा प्रशिक्षु कार चालकों को भी इस मौके पर बुलाया गया था। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इन टू व्हीलर वाहन विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे हेलमेट के साथ ही अपने वाहनों को बेचें ताकि लोग हेलमेट का प्रयोग कर सकें और आए दिन हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी, सड़क सुरक्षा की आदत डालने के लिए प्रेरित किया ताकि दुर्घटनाओं में कमी हो। इस मौके पर सबस्टिक ड्राइविंग स्कूल ज्वालामुखी के एमडी उमेश शर्मा को भी विशेष रूप से बुलाया गया था ताकि ड्राइविंग सीख रहे युवाओं को भी बताया जा सके कि नशे में ड्राइविंग नहीं करनी है, ड्राइविंग करते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना किया जाए, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का प्रयोग किया जाए, कार चलाते समय सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग किया जाए, ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए। इसके अलावा कई जानकारियाँ दी गयी। उसमें हमने सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में प्रशिक्षु वाहन चालकों को जानकारी दी तथा जो हमारे टीवी अपने जो डीलर हैं या शोरूम वाले हैं उनको हिदायत दी कि कृपया वो जितने भी हमारे टू व्हीलर सेल आउट करते हैं उनको हेलमेट के साथ और बिलिंग के साथ सेल आउट करें तथा सभी से आग्रह किया कि रोड सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।